राम राम जी, स्वागत है आप सभी का द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप केके। दोस्तों, आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हम हरियाणा के एक बेस्ट रेडर, या कि हम बात करें सीख गांव की टीम की, सीख गांव की टीम के एक बेस्ट रेडर कृष्ण जी, कृष्ण पहलवान जी हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों, मैं बता दूं, कृष्ण पहलवान जी हरियाणा के पहले घोड़ा विजेता थे। तो कृष्ण पहलवान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार सभी दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम भाई साहब सारा ना। कृष्ण जी, आपका नाम कृष्ण ही है या फिर कुछ और नाम भी है जी? भाई कृष्ण मलिक है, वैसे कृष्ण बोलते हैं। मलिक मलिक तो मिला हुआ है बीच में। हां, खेल में भी यही नाम चल रहा है। हां, अपना कृष्ण है, चल रहा है प्यार तो लोग भाई कमेंटेटर भी घोड़ा कहने लग गए हैं। परिवार में भाई मेरी माँ है, मेरा पापा है, दो भाई हम भाई जी। मेरी भी शादी हो रही, भाई की भी शादी हो रही भाई जी। पहलवान जी बच्चे हो? हाँ भाई, मेरे बच्चे हो रहे हैं भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। पहलवान जी, सोचा है लड़के ने भी कबड्डी बुलाया कुछ भाई? लगता सोचा नहीं भाई जी, आगे उसकी मर्जी जो करेगा कर लेगा भाई जी, उसका हाथ में सारा जी। पहलवान जी, एक बार हमारे दर्शकों को ना अपनी हाइट और वेट बता दो भाई। हाइट 5'7" है मेरी भाई, वेट हो गया भाई मेरा, मैं 85 किलो है जी। हाँ भाई साहब जी। पहलवान जी, पढ़ाई पढ़ी भी करी है कुछ? हाँ, पढ़ाई भी ये कर रहे हैं भाई साहब जी। पहलवान जी, पढ़ाई की बात करें, स्कूली टाइम की बात करें, कुछ ऐसा कुछ सब्जेक्ट हो याद हो जो घना इंटरेस्ट हो जिसमें? भाई तो सारे कठिन थे, वैसे फिर भी हिंदी ठीक थी अपनी भाई, हिंदी में मजा आ रहा था। पहलवान जी, मास्टर में पिटे पैटे भी हो गए भाई? पिटे भी हैं, बच्चे भी हैं भाई, मॉनिटर भी हुए हैं, सारे डाल के पंगे हो गए हैं भाई, सारे डाल गए। हां भाई, पहलवान जी बैंक में भी रहे हो कभी? स्कूल में था, स्कूल टाइम ना भाई, कभी लुके नहीं अपन भाई, वो काम नहीं सीखा कभी भी अपन। अच्छा, अरे ग्राउंड के बंक थे? ग्राउंड पर अपन इतना शौक नहीं था भाई। अच्छा जी। हां, ना अपना शौक था भाई क्रिकेट है, हर जगह जिम जी, मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा था, हर जिम में था। हाँ। तो पहलवान जी, क्रिकेट और जिम के अलावा अब एकदम कबड्डी में कुकर बढ़ गए? बस कुछ नहीं भाई, छोटे भाई की देन है यार। अच्छा, जिम मार रहे थे, गाट ठीक था, ये पहले कुश्ती करा करता, ये भी कबड्डी खेलने लग गया फिर जी। फिर धीरे धीरे उन्हें ले जाने लग गया भाई, मैं भी एक दो दिन बैठा और टिड़िया भाई जी, देखे कुकर खेले जा भाई, फिर हल्की फुल्की रेस, फिर संदीप ने भाई तैयारी कर दी भाई जी। ये बहुत बड़ी बात है कि ना, एक छोटे भाई ने बड़े भाई को कबड्डी में ले गए। हाँ भाई, तो भाई का शुक्रिया अदा भी करते हो क्या? बस सारी उम्र यार होगा भाई। अच्छा, इससे की देन है भैया जी, लड़ते आए हैं, इस भाई की देन है। पहलवान जी, कबड्डी कब शुरुआत करी थी? कबड्डी हो गए भाई अपन 8-9 साल हो गए भाई जी। हाँ, शुरुआत करी। पहलवान जी, नुका अगर भाई ने तो साथ दिया ही दिया, कुछ पहलवान कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको देख के कुछ सीख क्या हो, कोई ऐसी कोई पहलवान याद हो या कोई ऐसा खिलाड़ी याद हो जिनको देख के आपने काफी कुछ सीखा हो? भाई सच बताऊं भाई, अपन देखना तो शौक था भाई, देखने का भी ना खेलने का, बस भाई ने बैठे थे अपन तो बस अपनी रुचि में इंटरेस्ट कर लिया भाई, खेलना है तो खेलना जी लगा जी। अपने गुरु भी भाई संदीप है, दबके मेहनत कराई भाई, गलती होंगी गाली भी देंदा, सारा सौदा पिटदा भाई जी। हां, दो एक देना अपनी तो भाई। पहलवान जी, गेम में आप गए, सबसे पहले गांव में खेलना शुरू करा था या फिर कहीं और जाके भी खेल रहे? मैंने सबसे पहले भाई कुराने खेलना शुरू किया था, कुराने टूर्नामेंट का। अच्छा जी। हाँ, वहां शुरू किया था, बढ़िया गेम लग गया अपना जी, बढ़िया खेल ले जी। पहलवान जी, कोई बेस्ट हो आपका खेल, इसकी बात करें हम, मैच की बात करें, कोई बेस्ट मैच याद है आपको? हाँ, एक है भाई मंडोरा मंडोरी का बोगेल फाइनल था भाई जी, हाफ टाइम में बराबर थे भाई, फुल मैच में बराबर, 5-5 रेडा में जीते थे भाई, एक कैच था।
हाँ उड़ो में बेस्ट लग रहा था, बाइक मिली थी भाई जी। वहां तो मतलब बेस्ट पहली बार बाइक जीते थे? हाँ पहली बार भाई जी। बाइक जी चार मोबाइल थे उड़ो भाई। अच्छा वहां जीते थे चारों? आप जीते? हाँ। अच्छा पलवा जी फिल्मा की बात कर रहे हैं, फिल्म फिल्म भी कुछ पसंद है पलवा जी? फिल्म फिल्म तो बस ठीक क्या ठीक सी है बाबा, तो गाने ही सुने आ रहा है, फिल्म तो कम ही देखा रहा। गाने गुने कौन से, किस डाल के गाने? पंजाबी दिलजीत के। अच्छा जी दिलजीत अपना फेवरेट है भाई, दिलजीत और बब्बू मान। अच्छा जी हाँ पलवा जी अंकुश बबैल तक बात हुई थी, वो भी दिलजीत और बब्बू मान की बात कर रहे थे भाई। अरे अलग अलग चॉइस हो वैसे। हाँ। उसकी भी आई होगी भाई, अपनी भी आई है। पलवा जी फिल्म में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, कुछ हीरो है वो पसंद हो कोई? हीरो आ रहा तो भाई इसका में इंटरेस्ट, फिर भी जॉन अब्राहम अपना फेवरेट है। अच्छा जी हाँ। अरे एक्टर नहीं की बात करे पलवा जी? एक्टर नहीं आगा तो ऐसा है भाई। अच्छा कुछ नहीं एक्टर नहीं, एक्टर नहीं तो जी इतना शौक ना है ना। अच्छा पलवा जी गांव की तरफ से और परिवार की तरफ से कबड्डी में कितना सपोर्ट मिला आपको? भाई बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है भाई जी, गांव वाले बढ़िया सपोर्ट करें भाई और घर वाले तो कराए करें भाई जी। हां पलवा जी बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज की शुरुआत करता है बहुत सारी ना अड़चने आती है बीच में। हाँ। दिक्कतें आती है, कुछ आपकी लाइफ में भी आई थी कुछ दिक्कत भाई? अड़चन तो हुए हैं भाई साहब, एक तो जब आ रहे भाई जब स्टार बनता जा नहीं प्लेयर चढ़ता जा जी। बीच में इतनी अड़चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और फिर भाई अंगली लानी भी गणे पा जा रहा बड़े, अरे तू उस गिल रहा छोड़ चुके करेगा उस गिल रहेगा नूर नू बड़े चढ़ दे दिखा नहीं भाई, तो आदमी ना कट नहीं सोचा रहा बिल्कुल। फिर इन बातों में बड़े नहीं भाई इतने, आपने जो मेहनत करी है वो गारी है हमारी जी। पलवा जी आपने बताया कि काम ने बहुत बढ़िया साथ दिया आपका। हाँ। हर समय साथ दिया बिल्कुल। कुछ पल ऐसा लगे हो आपने कि ना यहाँ गांव में सच में हमारा बहुत ही तह दिल से और सबसे पहले यही साथ दिया था आपको, कुछ याद है ऐसे कुछ बातें? बाबा ऐसी बात तो ही नहीं बा लगभग, अब जित भी जा गांव में बड़ी इज्जत करें भाई, आप गांव वाले बड़ी इज्जत करें भाई, बढ़िया राम राम ही है सारे गांव में, ऐसी कोई बात नहीं हुई भाई अड़न वाली बात आई हो नहीं भाई, गांव अपना बढ़िया हो जी। पलवा जी कुछ बातें हमने भी जब किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू लेने जाए कुछ हम भी होमवर्क कर का आग्रह करते हैं कि ना आपके भाई भी कबड्डी खेला करते हैं? हाँ खेलना भाई भी जी। कई बार ऐसा कुछ होया मैच में कि ना दोनों भाई बेस्ट आए हो? ऐसा तो है नहीं, आज लगे बेस्ट आए दोनों जी। अगर मैं ठीक चल रहा हूँ तो भाई यो भी कह दिया करता अब तू है चल, जब तू ठीक चल रहा है। अच्छा अच्छा मेरे कह चला है फिर यो उनका रुक जल मैं मारू नो चल रहा, मतलब टीम का जो कॉम्बिनेशन होता। हाँ। है वो था मतलब नो था भाई, टीम जितनी चाहिए कुकरे जीतो कुकरे जीतो। हाँ यही एक डेडिकेशन होनी चाहिए खिलाड़ी का। हाँ बस यही होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए, बेस्ट खातर मैं तेन रोक दू भाई रुक जा रहा मैं बेस्ट लग लू, टीम जानी चाहिए यार ऊपर जी जितनी जरूरी है। पलवान जी गांव की टीम के अलावा कहाँ कौन कौन सी टीम में खेले हो? लगभग गंखरिया में खेल लिया भाई जी। हाँ पिछले साल दो साल पहले भाई बहु में खेला दबका बहु अकबरपुर में भाई, ये पाछे धनोरी में भी लाए हैं भाई, ओसर में भी, फरमाना में भी भाई, यार कुराना में भी लगभग सारी हम खेल लिया, बढ़िया टीम है। अच्छा पलवान जी सबसे ज्यादा मजा किस टीम में खेलने में आया? सबसे ज्यादा मजा आया भाई एक तो धनोरी टीम में आया भाई जी। पलवान जी बहू भी ठीक है भाई, बहु वाले बालक भी ठीक है, अरे बहुत सही है तो सही बालक। अरे पलवान जी अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में कौन सी टीम में खेलने में मजा ज्यादा आया? ऐसा तो देखा सारी टीम मजा आवा यार, बाग की बात है गधी भी पट जाए बढ़िया स्टार भी इनका कोई वेरा नहीं होता भाई, और वैसे भाई जो बराबर में टीम खड़ी होनी बढ़िया टीम खड़ी उस गिल खेल दिया मजा आवा जी। पलवान जी आपके नजरिए जिस टाइम आपने शुरुआत करी खेल की उस टाइम आपकी नजर में सबसे बेस्ट ट्रेडर कौन था? उस टाइम सबसे बेस्ट उस टाइम था भाई अपने सुनते टीटा धनोरी था भाई। अरे कैचर की बात करें पहलवान जी उस टाइम पे काला है था भाई धनोरी वाला, अरे एक भाई हां एक यो बजिंदर था अच्छा जो गुड्डी सुनी है भाई बजिंदर देखा नहीं मैंने के देख लूं। अच्छा जी सुनी है भाई तेलु कुंभा भी बढ़िया तेलु कुंभा। हां पहलवान जी अब के रेडर की बात करें तो सबसे बढ़िया रेडर कौन सा लगा ये बोले नयाम भाई? हां नयाम जी नयाम गंखरे ऊपर रहे भाई नए नए है जी, मारे गांव का भी हो रहा है सौरभ ठीक, अंकुश भी हो रहा है सही। अच्छा जी। हाँ और एक भाई बहू का भी हो रहा है मास्टर बहू का एक छोरा है वो भी ठीक हो रहा है। और कचरे की बात करें पलवान जी कचरा में भाई नया में एक तो बहू का ही हो रहा है भाई। अच्छा जी। सिल्लू सिल्लू हाँ भाई सही बेस्ट कचरा भाई यो है नजर भाई, अरे एक मारे गांव का चोनी है भाई जोनी। पलवान जी कोई ग्राउंड याद है ऐसा जो अपना सबसे बेस्ट लगता हो जहाँ मतलब खेल गया आपके मन खुश होया हो? हाँ भाई मंडोरा मंडोरी का ग्राउंड है भाई
एक मतलब निष्पक्ष नहीं आ रहा है, निष्पक्ष निष्पक्ष मैच वह मैच हुआ बड़ा। अच्छा जी, और बढ़िया कमेटी रहा, बढ़िया पर्ची छोटी वड्डी बना दे, को लाल निशान की कर दे, को कुछ भाई भाई देखा आज लगा अपने ज्ञान भी नहीं सोदा, कुकर तो टाई पड़े कुकर ने, अब मैच खेल जा रहे किसे के लाओ है। फिर भी पहलवान जी आपके नजरिए था टाई का सिस्टम कैसे होना चाहिए? टाई का सिस्टम भाई मैं तुम्हें कहूं दोनों बोलिया है बीच में ले आगे ना गेरे नहीं भाई, उस पर का मजा नहीं, बस पब्लिक भी देखे सब देखे भाई जी, आप तो यो कहूं भाई सबके सामने गेरा भाई किसे के मैच आओ। हां पहलवान जी आपने बताया कि ना यह कमेटी बहुत बढ़िया काम करे, ईमानदारी से इनाम देती है या फिर ईमानदारी से खेल कराती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है खेल के अंदर के ना आपके साथ धोखा आया हो कुछ याद है ऐसा? भाई ऐसी बात तो कुछ भी याद नहीं भाई, लंबी बात हो जाए कोई ना ध्यान रखी, फिर भी भाई अपनी तो यह है ना तो कदम टाई आम जा रहे भाई टाई पड़े ना भाई देख जा रहे मैच किसी गल है किसी गल नहीं होगा, अपना संदीप है भाई जी। गुरु भी है प्लेयर भी है बस सारा सौदा है वो कर मारा दो वो मरत ना तो हम गड्डी में बैठे रहो तैयार रहो बस संदीप कर जो कुछ कर रहा भाई सही बात है। हाँ। कहीं ना कहीं मार्गदर्शक अच्छे है जी। ग्राउंड भी भाई बताऊं खंडा खेड़ेगा बहुत बढ़िया बना हुआ, पब्लिक तो इतनी दूर कर दिया गाइड दिया पोल है अंदर नहीं आ सके, बहुत बढ़िया ग्राउंड बना हुआ। चलो जी सीख की टीम की बात करें, दो सीजन ऐसा भी रहा सीख की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। हाँ वह दिखाया भाई 15-16, 16-17 की बात है ये, 16-17 के बाद टीम आउट होगी बस भाई, टीम का थोड़ा हमें धक्का लग गया, हरपाल गुजर गया था हमारा कैचर है जी। बस उसके गुजरने में बस टीम ही शौक सामान की बस को खेलना लग गया को हट गया बस नो सिस्टम हाथ जुड़े बस नहीं 15-16 में तो ऐसी टीम होगी थी हमारी बस दो साल मतलब खाली हाथ के देकर आने आए फर्स्ट सेकंड लगभग फर्स्ट रहे हैं आज लक्का भाई यो भी है भाई एक मिला में एक पंचायत में हमने लगती 17-18 पोजिशन मारी भाई फर्स्ट की। चलो जी दो सीजन की बात करें तो उस टाइम में बढ़िया मैच कौन कौन सी टीम में खेला लगा करते आप? बस टीम टीम थी वह चार तुम कती दाकर टीम जी मारी बहु अकबरपुर खरक जटान सिंगवारा गो जी। ये चार टीम ऐसी थी भाई लोग नू निकाल रहे भाई इन तो मैच टल जियो। अच्छा महाराज दा भी दुन्ने के लंदा भाई उन्ने के लंदा। हाँ चारों टीम मार गया मतलब मजा आ गया मैच। हाँ भाई बस संदीप बिनो बोलो भाई त्यार जी। हाँ मतलब लट्ठा भाई यार उस टाइम तो भाई इसे रह रहे हैं। पहलवान जी उस टाइम में आपकी कितनी पोजीशन थी जो 2015-16, 16-17 में जो सीजन का है? मारी भाई 37-38 पोजीशन थी भाई जी। हाँ तकरीबन किस टीम के अपोजिट आपने जीते हो उसमें? लगभग मारा था तो बहु गेल भाई जग खरक गेल फाइनल आ रहा भाई। अच्छा जी। हाँ बहुत तगड़ा मैच लग गया रहा भाई, 9 था 1 पॉइंट तो जीत गए 2 पॉइंट जीत गए बस 9 रहा रहा भाई। पहलवान जी अब कब सीख की टीम वापसी कर रही है? तैयारी करना है रे बस सारे करती है टू जड़। हाँ लॉकडाउन का फायदा ठहरे भाई लंबी मेहनत चल गई जड़ती है उतरेंगे बढ़िया होकर उतरेंगे। पहलवान जी पहले मैं पहला जब आपने शुरुआत करी उस टाइम में कौन कौन खिलाड़ी आपके लिए खेला करते? मैं तो भाई सबसे लास्ट में लग गया था, मेरे तो ये सारे सीनियर हैं जितनी मेरी टीम है, संदीप था मेरे तो सीनियर भाई, यो भाई रहा हरपाल भी मेरे तो पहले लग गया था भाई, राम निवासा मोहित मैर नंदर आए थे भाई लास्ट में। अच्छा जी। हाँ तो पहलवान जी अब जो नए खिलाड़ी तैयार होने लग रहे हैं या फिर आप कह रहे हो नई टीम गठित होने लग रही है आपकी, कौन कौन खिलाड़ी है ये वाले हमारे जोनियर है कैचर हमारा जी। हाँ अशोक भी तैयारी कर रहा है हमारा, मारे गिल खिलाड़ी था वही भी तैयारी कर रहा भाई। अच्छा जी। अच्छा भाई अंकुश है भाई जी। संजीत है साहिल है जी। अच्छा भाई सौरभ है जी। ये इनकी दौरा की लोर चल रही है भाई। अच्छा, राम निवास है भाई, मोहित मोहित भी है भाई जी। पहलवान जी 19-20 के सीजन की बात करा है तो आप गांव की टीम में नहीं खेल रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? पहली बात तो है देखो जड़ती खेले भी हैं जीत भरी है जी। और भाई ठीक खेले हैं बहुत कम भरी हमारे गांव के ना मिनी वाले खेले भाई जो छोटे बच्चे थे वो मेरे तजद भी कहते मैंने जब भी खेल लिया उनके। हाँ और उन तेन भी कह रहा कि भाई गांव की टीम तो मैं कदे नहीं बाजूंगा चाहे छोटे पर हो चाहे बड़े पर हो भाई अपन ही बाजे देवा गांव तो जिस गांव ने तैयार करे हाँ बस तो क्यों बाजो भाई अपन नाट दे भाई जिन्हें एक दो बकाया मेरे ते मिनी वाले ने मैं खेल लिया भाई।
पहलवान जी कोई विदेशी टूर लगे हो या फिर लगने की संभावना हो? भाई ये पीछे भी भाई काला पहलवान है धनोरी का, उन्हें कहा था भाई लतन खिलाए दी भाई कनाडा की टीम में जी। तो कुछ कहना तो भाई मैं खेल नहीं सका जी, मैं जा नहीं सका भाई। पहलवान ने पूरा जोर लाया भाई, देख ले कि जाया जाया जी, कौन जाया गया भाई अपने पे जी। तो भाई काला पहलवान ने न्यूजीलैंड का वीजा लुआ था भाई, ये भी अपना लॉकडाउन हट गया था भाई। अच्छा हाँ, ये दो आए थे अपने दो चांस भाई, दोनों हम कुछ ना कुछ चुनो की भाई जी। आगे संभावना है पहलवान जी? हाँ आगे संभावना है पूरी जी। हाँ अपना मेहनत करेंगे, अपना खेल लाएंगे भाई, जरूर जाएंगे भगवान ने शुक्र रखा जी। पहलवान जी हरियाणा के खिलाड़ी ना बहुत सारे पंजाब जाके खेलने लायक गए हैं, के कारण है? पंजाब में खेलने का मजा लगा भाई। अच्छा हाँ भाई साहब, अपना हरियाणा तो ठीक है भाई, कबड्डी उड़ा उन्होंने कहा माँ कबड्डी पा पंजाब में माँ कबड्डी बढ़िया सलूक तो भी रेफरी बढ़िया कमेटी बढ़िया बढ़िया कराया इनाम बढ़िया दे भाई सम्मान बढ़िया करा प्लेयर का। आप भी खेल लो? हाँ पिछले साल खेला भाई काला इसमें दिड़ वाली इसमें अकेडमी में जी, उसमें खेल लेते भाई आप फेडरेशन खेल लेते लगभग खेल ले मैं अंकुश लाल अपना पानीपत में कहीं है छाजू गढ़ियाला भाई कैचर लगभग खेल लिया भाई डेढ़ भाग इस तक जी। पहले जी पंजाब में कौन-कौन सी कमेटियां में खेल लो आप, कौन-कौन सी उनमें फेडरेशन में खेल लो? पापा भाई खेले थे कलाली फेडरेशन में खेले थे और भाई आगे भी नुए खेल रहे भाई भगवान ना चाहे अठी फिट रह गए तो जी। पापा खेले थे फेडरेशन दी डेढ़ भाग नाम था अपनी उसमें खेल लिया पापा जी। पहले जी कुछ याद हो पंजाब में आप खेल लो और कहीं बेस्ट आए हो? देखो पंजाब में तो बेस्ट नहीं आएगा जी। हाँ ठीक खेल जावा पहलवान जी, आपने बताया कि ना पंजाब की बहुत सारी कमेटियां में खेलो। पहलवान जी कहीं तो सुनने में आवे या फिर लोग सारे खिलाड़ी कब है कि ना विदेश जाने का रास्ता पंजाब तक खुला है, इसमें कितने की सच्चाई है भाई? इसमें सच्चाई ठीक है भाई, जो भी सुने ना ठीक सुने पंजाब तो लगभग जावा भाई प्लेयर जी लगभग है जावा भाई। अरे भाई आगे जो स्पॉन्सर हो है नी वहाँ पूरी सहायता करे आगे जानते जी। हाँ पहलवान जी कहीं से ना सुनने में आया है बहुत सारे लोग ना पैसे लेके खिलाड़ियों से उनके वीजे लगवाते बाहर के लिए बाहर जाके खेल ले, तो ऐसा कुछ इसमें कितने की सच्चाई है? कभी आपको ऑफर मिला ऐसा कुछ? ना भाई अपने दौर तो ना तो ऑफर है ना आज लग सुनी है। अरे भाई नू पीछे लेके भेजे है तो उसका फायदा क्या है? अगर जाना है तो अपने कबड्डी के दम पर जाओ भाई, अपना गेम दिखाओ, उस पर का मजा नहीं जानेगा भाई। वैसे अपने दौर कोई ऑफर नहीं आया, पैसे देता ना भेजूंगा ऐसे कोई नहीं आया। पहलवान जी पंजाब की जब आप फेडरेशन में खेल रहे थे तो कौन कौन सी कंपटीशन की टीम अपोजिट में थी? एक तो था भाई पालोर की सराना रणवा भाई जी जी। हाँ एक सुरखपुर यादा सुरखपुर, ये दो टीम थी भाई। पाले की टीम बताया जी, पाले के साथ भी खेलो जी आप? हाँ भाई लग गया भाई मैच जी। हाँ पालो ठीक है भाई कैचर है भाई, फिर भी खेल दिया मजा आया उन्हें। पहलवान जी पंजाब में कोई आपका फेवरेट रेडर हो याद है कुछ ऐसा जी, कोई बढ़िया लगता हो आपने? अपना बेस्ट रेडर भाई सुल्तान, सुल्तान पंजाब में। हाँ भाई जी। और कैचर की बात करें जी, कैचर हम पल्ला भाई, ये भाई जग्गा चिट्टी भी अपना बेस्ट। अच्छा जी। हाँ दो कैचर तगड़े भाई। पहलवान जी आपने बताया पल्ला बहुत बढ़िया कैचर है, सुल्तान की बताई आपने, इनमें ऐसा क्या खास लग गया है आपने जो बढ़िया लगते है? सुल्तान की सुन लिया भाई, सुल्तान अंथक रेडर भाई जी, अपनी रेड नहीं काटेगा बच्चे कितनी मारनी हो चाहे कितनी कैच लगी हो अपनी रेड नहीं काटेगा, अंतक रेड रहा बेस्ट रेड रहा। और पल्ले की बात करें तो जी पल्ला ही भाई इन्हों है ठीक है यार, पल्ला पल्ला पर गाऊं प्लेयर भी नहीं सही इंसान है भाई, फिर भी पल्ला अपनी अक्की जितनी कैच हो है दे हुआ भाई टेम पर जी। हाँ भाई पल्ला भाई फिर भी भरोसा प्लेयर ने मार देगा भाई जी। हाँ अपन भरोसा भाई मैच जताओ पल्ला। अच्छा पहलवान हाँ जी बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा से पंजाब जाते हैं, आपने भी बताया मैंने भी बताया, लोगों का कहना है ना खिलाड़ी हरियाणा का जब पंजाब जाता है वो दब जाता है डर जाता है, कितनी की सच्चाई इन बातों में? ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है, को वैसे तो कोई किसी तरह डरता नहीं जी, बस उन तगड़े दिखा है पंजाबी कैचर है हम एंजे है, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं, बढ़िया मैच खेला यार कौन किस तरह दबा यार मतलब जी रिंकू है रिंकू ना दबदा भाई किसी का रवि ना दबदा विनय ना दबदा भाई, विनय तो अगले दबा ही कैचर पंजाबी हरियाणा वाले तो दबल ना गए भाई। अच्छा हाँ भाई साहब जी चलो जी, वहाँ की टेक्निक में यहाँ की टेक्निक में भी कोई फर्क है? हाँ बस नूला ले यार अपने तो हरियाणा में टेक्निक है नीचे की। अच्छा नीचे की मारे हैं
कैंची बच उल्टी सुल्टी वो फाइट मार के ले आऊं। बस इस कारण आदमी ने सोचा है फाइट लग गई दब गया दब दब कोई नहीं भाई जी। भाई वो ऊपर हाइट हो यार वो ऊपर तो पकड़े हैं फाइट मारे हैं बस और कुछ फर्क नहीं जी। हाँ पहलवान जी कबड्डी के अंदर कुछ ऐसे दाव हो जो कि पंजाब में बैन हो और हरियाणा में नहीं हो? हरियाणा में तो बिना चुकरे मारे भी उल्टी सुल्टी बोले अभी कैची फेंक दे चाहे टांग टूटवा लगी चाहे कुछ हो भाई पंजाब में ऐसा कुछ नहीं भाई बोलिया नेड़े चलेगा नहीं भाई चुंदा भी कौन भाई कैचर अगर चोट लग जाए। अच्छा हाँ मेरी वजह से कुछ हो चुक ऐसा ठंडे पले रहे यार पंजाब के नोपन है जी। हाँ भाई पहलवान जी हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं खिलाड़ियों में और वहाँ के रेफरियों में कुछ फर्क लगता है आपको भाई ये इज्जत करते हैं वे नहीं करते कुछ ऐसा कुछ? भाई फर्क तो है थोड़ा बहुत फर्क है भाई अपना भाई मेरा क्या है नियम नहीं है अपने जी आपने मैच बोल दिया भाई 15 मिनट पहले जी आओगे 20-25 मिनट में भाई ये फर्क है पंजाब में बोल दिया भाई 5 मिनट है भाई 5 मिनट तक पहले पहुंच जाए भाई ये अनुशासन अभी उड़ा नहीं टाइम पर गई तो भाई पैसे काट लिया जुर्माना लग गया गया जो अपना है भाई अपना आज हरियाणा में नियम गहने तो कंधा नहीं भाई गंग खरिया की उनका तरह लो भाई 71,000 रुपया है वो कह रहा 20 ले जाए अनुशासन इतने टूटा 20,000 रुपये ले जाने पड़े अपना अनुशासन कौन भाई सब अपना अनुशासन हो नहीं अपना वर्गी कबड्डी भी नहीं भाई चलो जी अनुशासन की बात करो शुरुआत की तो होगी कमेटिया तो होगी खिलाड़िया तो होगी भाई कमेटिया करेगी चाहे फिर रेफरी भाई सब हाँ थोड़ी बहुत तो देख खिलाड़िया ने सोचनी पड़ेगी भाई अगर टेम पर मैच होंगे तो शाम ना अपना टेम पर घर पड़ेगा बढ़िया खा पी गए अरे अपने नमटे भी 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे ना कोई सोप खुली बंदी के खाओ के पीव है आदमी ने टूटे तड़की उठ के फिर भाज लिया भाई भूखा। पहलवान जी आप जानते हो कि सरकार ने सर्कल कबड्डी को नेशनल गेम से बाहर कर दिया कुछ सरकार से अपील करना चाहते हो जी? अपील यह है भाई जो कर नेशनल है भाई न्यू सर्कल ने लिया भाई जी और भाई माँ बाप के भाई आप तो लाले बने चे हैं प्लेयर जो स्टार प्लेयर है भाई ना नौकरी जरूर दे होगा सरकार जी। ये हो भाई अपना सजाओ जी। पहलवान जी जो खिलाड़ी है खिलाड़ियों ने इकट्ठा होना चाहिए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई अपने तो यही नीति होना चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए सरकार ने सोचनी चाहिए भाई साहब प्लेयर बारे में। हाँ भाई साहब पहलवान जी जो कि हरियाणा कमेटिया की बात कर रहे हैं सुधार के लिए कमेटियों ने क्या करना चाहिए? भाई कमेटी जून सी भी कमेटी मैच कराओ नहीं भाई जी एक तो 10 या 11 बजे टीम बुला लो भाई जी बुला इसके बाद कोई एंट्री नहीं चाहे इसमें भी 8 टीम आओ 6 आओ 12 आओ 15 आओ 16 आओ कह आओ भाई चाहे 17 टीम आओ इसके बाद भाई अगर 16 होगी 16 भाई 16 आएगी नहीं उसके बाद चाहे 17 टीम आओ कोई एंट्री नहीं कोई एंट्री नहीं निष्पक्ष मैच कराओ जी टीम पर कराओ भाई अपना टीम पर करा पड़े ना माँ बाप ना सोचो भाई की तरह है गया कर रहा है भाई ज्यादातर तो भाई आप तो खेल रहे हैं सोच तो कर क्या ना भाई सही बात भाई कोट पर पड़ेगा कोट मार भाई मारी माँ मैं कदे बढ़ लू बच्चा 3 बजे 4 बजे सोंदी नहीं पाती इतना दिखे जा बट भाई आप भी अपना बखत तक कराओ बखत तक खा पी के अपना लुटो जी। हाँ भाई सब तो पहलवान जी नए खिलाड़ी आ रहे हैं नए खिलाड़ी उभरने लग रहे हैं कबड्डी के अंदर उनको छोटा सा संदेश दो ताकि अपने खेल में अच्छे हो सके। आप तो यही दो भाई बढ़िया मेहनत करो खाओ पियो सुबह शाम रेस तो पक्की है भाई जी पहलवान जी अब पक्की करनी भाई ग्राउंड भी पक्के होने चाहिए लंगोटी के भी भाई अपना घर की खुराक ले हो भाई और नशा पता दूर रहो भाई जी। हाँ भाई साहब जी धन्यवाद पहलवान जी आप हमारे साथ जुड़े और हम भी आपको दोबारा कबड्डी के अंदर नए सीजन के अंदर देखना चाहते हैं तो धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ गांव सीख से एक बेहतरीन खिलाड़ी पूरे हरियाणा की शान पूरे हरियाणा की जान किरसन सिंह जी। तो ऐसे ही हम खिलाड़ियों तो मिलते रहेंगे आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे तब तक आप सभी साथियों को नमस्कार अगर वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर जरूर कर दियो।